हाय गाइस, यू आर वाचिंग एन यूट्यूब चैनल ट्रू इन्फो। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये कश्मीरी रा पैरट के बच्चे लेते हुए क्या चीजें देखनी होती है आप लोगों ने, इस चीज के बारे में बताऊंगा। हमें तकरीबन 8 से 9 साल हो गए हैं बच्चे पालते हुए, उनकी केयर करते हुए। तो आप लोग हमसे जब खरीदेंगे तो हम लोग आपको एक एक चीज जो है वो गाइड करके भेजेंगे। और उसके अलावा मैंने पूरी की पूरी प्ले लिस्ट बना के रखी हुई है कि बच्चे को कैसे पालना है, कैसे रखना है, कैसे खिलाना है, कैसे क्या कुछ करना है, हर चीज बताई हुई है। तो आप लोग मेरी वीडियोज भी देखें, इस वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को उसका प्लेलिस्ट का पूरा लिंक मिल जाएगा। इस वाली वीडियो के एंड में भी आप लोगों को वो वीडियो शो हो जाएंगे, तो जैसे आप लोगों ने देखना हो वैसे आप लोग देख लीजिएगा। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या चीजें आप लोगों ने देखनी होती है एक बच्चे को बाय करते हुए। सबसे पहले कम से कम जो एज का बच्चा लेना है ना आपने, इस एज का लेना जी, ये देख रहे हैं पिन्ने जो है ना, पिन्ने वो थोड़ी थोड़ी सी निकल गई हो। कम से कम इस एज का आप लोग बच्चा लें तो वो बच्चा जो है वो आसानी से आप लोगों को पल जाएगा। और उसके अलावा आप लोगों ने क्या चीजें देखनी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये बच्चा जो है ना, ये माँ के नीचे से निकला हो। दो तरह से मार्केट में बच्चा आता होता है। एक अंडा, लोग क्या करते हैं, फार्मर्स जो होते हैं ना बड़े, अंडे को उठाते हैं मशीन के अंदर लगा देते हैं, वो मशीन उसको गरमाइश देती है, मशीन उसको हैच करती है, फिर लोग उसको हैंड फीड पे लाके बड़ा करते हैं। एक इस तरह से बच्चा निकलता है। दूसरा बच्चा है जो माँ ने अंडे दिए, माँ के नीचे पड़े हुए हैं, सॉरी माँ के नीचे पड़े हुए हैं, तो माँ ने ही उसको बच्चे को हैच करवाया, माँ ने ही पाला, माँ ने ही बड़ा किया। दोनों बच्चों के अंदर जमीन आसमान का फर्क आता है। पहला फर्क क्या आएगा, जब हमारे पास एक मशीनी बच्चा है ना, जो मशीनों के अंदर रख के हैच करवाया हुआ है, वो बच्चा क्या करेगा, जो वो बड़ा होगा ना, अंडे देगा तो अपने अंडों के ऊपर नहीं बैठेगा। आप लोगों ने देखा होगा बाजारों के अंदर मुर्गियां आती हैं, वो आप लोग लेके आते हैं, अंडों पे अंडे दही जाती हैं, अंडों के ऊपर नहीं बैठती। उसका फर्क क्या होता है, अंडों पे वो क्यों नहीं बैठती, क्योंकि वो मशीनों में रख के हैच करवाई होती है। तो ये फर्क होता है दोनों में। मशीनी बच्चा ना ले अगर आप लोग फ्यूचर में ब्रीड करवाना चाहते हो उससे। और बच्चा जो है ना, वो जरा माँ के नीचे वाला हेल्दी भी होता है। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज्यादा हेल्दी और एक्टिव है। ये सारा बच्चा जो है वो माँ के नीचे निकला हुआ है, माँ ने खुद मतलब ऊपर बैठ के हैच करवा के खुद पाले हुए बच्चे, तो फिर इस तरह से माशाल्लाह से एक्टिव भी होता है। अगली चीज मैं आपको बताता हूँ जी, एक तो हो गया कि इस तरह से मशीनी बच्चा आप लोगों ने नहीं लेना, ठीक हो गया। दूसरा, आप लोगों को मैंने मिनिमम साइज बता दिया। तीसरी चीज क्या देखनी है, आप लोगों ने बच्चा उठाना है, बच्चा सबसे पहले तो बच्चा पकड़ेंगे ना, बच्चे की ना बॉडी का कुछ टेम्परेचर होना चाहिए, बच्चा ठंडा नहीं होना चाहिए। बच्चा अगर ठंडा होगा ना तो उससे क्या होगा, बच्चा जो है ना, इसका मतलब है उसको बुखार हो रहा है, बच्चे को बुखार नहीं मतलब उसको सर्दी लगी हुई है। बच्चा अगर बिल्कुल ठंडा है तो बच्चा ठंडा ना हो, बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए। उसके अलावा आप लोगों ने फिर क्या देखना है, एक तो देखना बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर हो, दूसरा क्या देखना है आप लोगों ने, नाक और आंख पे पानी ना लगाओ। नाक और आंख, ये नाक छोटा सा सुराख है, इसका ऊपर ये आंख है, नाक और आंख के ऊपर पानी ना लगाओ, मतलब नजला ना हुआ बच्चे को। इधर वाली साइड देखनी है नाक आंख की, इधर वाली साइड देखनी है नाक आंख की। उसके बाद आप लोगों ने बच्चे को यूं पकड़ना है जनाब, देखना है टांगों की मूवमेंट कर रहा है सही बच्चा, देख रहे हैं माशाल्लाह से कैसी मूवमेंट है बच्चे की। टांगे देखनी है बिल्कुल सीधी है, मतलब टांगे टेढ़ी तो नहीं है बच्चे की। फिर आप लोगों ने देखना है जनाब, बच्चे के नाखून पूरे हैं, चार यहाँ के नाखून और चार यहाँ के नाखून, ये देखने आप लोगों ने, नाखून दोनों पाओं के पूरे हैं। फिर आप लोगों ने देखना है बच्चे की रीढ़ की हड्डी गुलाई में है, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखनी है। तो ये सारी चीजें जब आप लोग देखेंगे ना तो आप लोगों को पता लगेगा कि बच्चा जो है खरीदते हुए ये चीजें देखनी है। एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर महंगा बच्चा लेने जा रहे हैं ना तो आपने भाई को कहना है, भाई आपने ना हमें ना पेट खाली में बच्चा देना है। इसका क्या मतलब है, आप लोगों ने उस भाई को कहना है, भाई आपने हमें वो बच्चा देना है जो अभी भूखा हो, आपने फीड नहीं करवानी, जब मैं आऊंगा तब उसे फीड करवा के दिखा दीजिएगा। उसका क्या फायदा होगा आपको, कई बच्चों के पोटे जाम होते हैं, पोटे जाम का मतलब ये होता है कि वो बच्चे जो है ना उनके पेट के अंदर फीड जमी होती है, बच्चा फीड को हजम नहीं कर रहा होता, ऐसा बच्चा लेंगे 1 से 2 दिन में आपका मर जाएगा, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने तसल्ली करनी है बच्चा फीड हजम कर रहा है या नहीं कर रहा, बच्चे का फीड हजम करना बड़ा ज्यादा लाजमी होता है। कई भाई आप लोगों ने देखा होगा जनाब, उन्होंने फेसबुक पे ऐड लगाया, इधर ऐड लगाया, वो कहते हैं जनाब 11,000 का बच्चा है। नए बंदे देखते हैं यार, एक बंदा दे रहा है 12.5 का, एक बंदा दे रहा है 11 का, वो बंदे कहते हैं अच्छा जनाब 11 वाला ज्यादा बेहतर है, वो फौरन से लेने पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने तसल्ली जरूर करनी है वो पेट हजम करता है नहीं करता। क्या होता है जनाब, लोग के पोटे जाम हो जाते हैं, अब बेचने वाले को पता होता है इसका पोटा जाम है, वो क्या करता है, वो कहता है एड लगाओ सस्ता निकालो, उसे पता है 2 दिन बाद जब मर जाएगा बच्चा उसे बेचारा सस्ता निकल जाए, तो वो आप लोगों के साथ फ्रॉड लगाता है, धोखा करता है आप लोगों के साथ।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान धोखा दे वो हम में से नहीं। ठीक हो गया। तो अगर कोई भाई ऐसा फ्रॉड करता भी है, वो मेरी वीडियो देख रहा है, तो खुदा का खौफ कहें ना किया करें ऐसा। उससे ये होगा नए जो शौकीन लोग हैं ना उनका कह लो कि सारा शौक जो है वो मर जाएगा। तो आप लोगों को तो पता है फिर भी पोटा अगर जाम हो गया तो उसका इलाज कैसे करना है। नए बंदे को कुछ नहीं पता, आप लोग उसका इलाज कर सकते हैं, नया बंदा नहीं कर सकता। तो बराए मेहरबानी गंदा माल ना सेल करें, इस हॉबी को खराब ना करें। तो आप लोगों ने एक ये चीज़ देखनी है, बच्चा जो है ना पेट को फीड जो है वो हजम करता हो। ये कुछ मैंने चीज़ें बताई हैं। और एक और चीज़ जो कि आप लोगों ने एहतियात करनी है, जब भी बच्चा देखने जाए बच्चे को ठंडे हाथ ना लगाएं। बच्चे को ठंडे हाथ लगाएंगे, आप लोग अक्सर बाहर से आते हैं तो जब बच्चा देखने तो बच्चे को आप लोग ठंडे हाथ लगाते हैं ना, तो बच्चा पहले गर्म आइस में बैठा होता है, एकदम से ठंडे हाथ उस पर लगते हैं, तो बच्चा जो है ना वो अपना हाजमा खराब करता है, बच्चा जो है ना वो कह लो कि बीमार होने की तरफ जाता है। तो ये आप लोगों ने एहतियात करनी है कि वो सामने जो बंदा बेच रहा है ना उसका भी आप लोग नुकसान ना करवाएं। वो लेना है या नहीं लेना वो एक किस्मत की चीज़ है, वो कह लो आपके नसीबों की चीज़ है, लेकिन आप लोगों ने ठंडा हाथ कभी नहीं लगाना। सबसे बेहतरीन काम होता है गर्म हाथ करने का। आप लोग हाथ अपना पकड़े जब भी बाहर वगैरह से आए हैं, हाथों को अपनी गर्दन पे लगाएं, गर्दन का टेम्परेचर आपका गर्म होता है, गर्दन में लगाएं। आप लोग शर्ट के साथ लगा लें, कैसे भी करके अपने हाथ को गर्म करें, फिर जाके बच्चे को हाथ लगाएं। एक तो ये चीज़ हो गई, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप, एक और बात देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बातें जो आ रही हैं, जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है अगर जो हमने 8 से 9 साल में अपना नुकसान करवा करवा के चीज़ें सीखी हैं। आप लोगों ने बच्चे को देखना है, बच्चे के कहीं पे ना ब्लड स्लड ना लगाओ, जख्मी ना हो ना बच्चा। आप लोगों ने देखना है कि बच्चे के बॉडी के ऊपर मतलब कोई धब्बे ना आए हो। देखना है आप लोगों ने बच्चे की बॉडी साफ है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे के ऊपर मतलब कोई जख्म जुख्म हुआ हो इस तरह वगैरह। आप लोगों ने तसल्ली करके चीज़ फिर लेना है, आप लोग शर्माया ना करा करें। मैं देखता हूँ हमारे पास भी बहुत सारे कस्टमर आते हैं, आज तक अल्लाह ताला के हुक्म से हमने 1000 से ज़्यादा पैरेंट जो है वो सेल किया हुआ है। तो मैं देखता हूँ बहुत कम लोग होते हैं जो आके खुद बच्चा चेक करते हैं। ठीक हो गया, आप लोग शर्माया ना करें, आप लोग अपने हाथों को गर्म करें, बच्चा पकड़ें, बच्चे को अच्छे तरीके से चेक करें कि ये चीज़ है, ये चीज़ें मैंने देख ली है, ओके है तो भाई ओके है। तो इस तरह से करके आप लोग खुद आके अपनी पसंद का लेके जाया करें। छोटे भाई हम लोग साथ में सेल भी करते हैं, आप लोगों को मैंने बताया कि हम लोग बेचते भी हैं ये चैनल पे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो जो माल आता जाएगा हम लोग वीडियो अपलोड करते जाएंगे, चाहे हमें जितने मर्जी चैनल बंद करवाने पड़े। हमारा पिछला वाला जो है 25,000 का था, वो इसी वजह से बंद हुआ कि हम लोग बेचते थे इधर, तो बेचते हैं, आप लोग कॉन्टेक्ट किया करें। और हाँ, आप लोग मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि यार आपने जहाँ से बच्चा खरीदा होता है ना, बेहतरीन मालूमात वही इंसान आपको दे सकता है। आप लोग अगर कहीं और से बच्चा खरीदते हैं ना, तो बेहतर होगा कि आप लोग कहीं और से पूछा करें। अक्सर भाई बाहर से बच्चा परचेज करके हमसे पूछते हैं, यार आप लोग खुद देखो, मैं हूँ ना, मैं कनाडा की इनको इंपॉर्टेंट फीड करवाता हूँ। किसी भाई, कोई भाई जो है वो मतलब कनाडा की फीड नहीं करवाता था, वो कोई और फीड करवाता था। बच्चे को वो भी अगर रास है ना फीड, तो आप लोग वो अपने भाई से पता करके वही वाली उसे करवाएं, हमसे करवाएंगे तो वो डिफरेंट आ जाएगा। बच्चे का हाजमा जहाँ पे सेट हुआ है ना, उसको वही चीज डालें। तो जहाँ से खरीदें वो सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको बता सकता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ये अभी आपके लोगों के सामने स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी प्लेलिस्ट का लिंक, तो वो उस पर क्लिक करके वो सारी प्लेलिस्ट देखें। बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताई हुई है। अल्लाह हाफिज़।